देखो, भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे। बीजेपी हमेशा चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान बजरंग बली केरला स्टोरी ये सारी उन्होंने उठाई, लेकिन जो राहुल गांधी जी कर्नाटका से निकले थे लोगों को सुना के कि भैया टूटो मत, ये तुमको जोड़ तोड़ने की कोशिश करते हैं, बाद में अपनी सरकार बनाते हैं, ये बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हैं, ये महंगाई नहीं ख़त्म कर पाते हैं, ये अमीरों को अमीर बनाते गए, गरीबों को ख़त्म करते गए, तो ये बातें जो है कर्नाटका के लोगों ने राहुल गांधी की बातों का सम्मान रखा, उसकी यात्रा का सम्मान रखा। आज जो है वहाँ पे बदलाव हुआ, यहाँ पे 9 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे, अगर इलेक्शन होंगे तो मुझे पूरा यकीन है यहाँ भी कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी, और 2024 में अब तय है कि सरकार जो है मरकज में कांग्रेस की होगी और राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर। मुबारकबाद है कर्नाटक के लोगों ने बदलाव यहाँ पे दिखाया, लोग जिस ढंग से तन आ चुके थे और मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, इतनी ताकत झोंकने के बाद भी बजरंग बली जी के नाम को भी इस्तेमाल किया गया, लोगों ने बजरंग बली का वोट डालते हुए उनको याद करते हुए सही मायनों में बटन दबा के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया और कांग्रेस का साथ दिया, उन्होंने अहंकार की लंका तोड़ दिया। बदलाव होगा 2024 तक लोकसभा में, जहाँ पर भी चुनाव हो गए अब लोग खुल के सड़कों पर आएंगे, नौजवान खुल के आएगा जो बेरोजगारी से तंग आ चुका था, वो लोग खुल के आएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे थे, उनका चुनना जलना मुश्किल हो गया, कांग्रेस ने उन मुद्दों को उभारा, लोगों ने उनका साथ दिया और इन लोगों ने उनका ध्यान भटका के बजरंग बली का नाम दिया और लोगों ने फिर भी फैसला किया कि कांग्रेस ही है जो गरीब आम के साथ है। बजरंग दल की बात की थी वो कहीं पे भी है, बजरंगी को बैन करने की बात वो जहाँ जहाँ पर भी रियासत के जहाँ से मुद्दे यहाँ पे हो गए वो वहाँ की सरकारें यहाँ पे देखी कौन यहाँ पे है जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो, कोई भी हो, मैं समझता हूँ ये दैत्य वो उन सरकारों का केंद्र के पास ये पावर यहाँ पे है, तो उस पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं।